चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के बीच में हूँ और ज्ञानदायिनी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। और इधर आपने देखा बच्चे कि 4-5 दिन से आपकी क्लास बड़ी मिस हो रही थी, तो अब नहीं मिस होगी, ठीक है, चलो पढ़ा जाएगा। बच्चे सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जो बच्चे ऑफलाइन आना शुरू कर दिए हो वो बाद में बच्चे वीडियोस को ज़रूर देख लेना। और अगर 9 बजे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना बच्चे, हम टाइम को भी चेंज कर देंगे ताकि आप सभी लोग बच्चे वीडियोस देखते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। हमारा बच्चे टॉपिक जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हो गया था, उसी में दो लेक्चर और बचा हुआ है जिसे मैं निपटा दूंगा। और अब हम बच्चे क्या करेंगे, पॉलिटिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चे जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर बच्चे हमारी पकड़ बन जाए, ठीक है। और बच्चे थ्योरी पर पकड़ तभी पॉसिबल है जब आप नंबर आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे। तो आज की जो वीडियो होगी बच्चे, इसमें हम मैक्सिमम पॉलिटी के क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। और हमने कहा था 1-2-3 क्लास और बची है थ्योरी की, तो मैं कभी भी किसी भी वक्त बच्चे करा दूंगा, ठीक है। तो चलो, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना था आज बच्चे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सारे बच्चे देखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, सारे लोग देखिए, जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे और सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है बेटा जो सुमेलित नहीं है, वही हमें टिक करना है। बच्चे सारे लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बच्चे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चे संसद, ठीक है। अब पहला तो यही हो गया सर कि संसद कितने लोगों से मिलकर बनी होती है, आपको ये जानना होगा बच्चे। तो आपको पता है संसद हमारी 3 लोगों से मिलकर बनी होती है बच्चे, लोकसभा से बनी होती है, राज्यसभा से बनी होती है और प्रेसिडेंट से बनी होती है। यानी अगर पूछा जाए कि संसद कितने लोगों से बच्चे, या संसद के कितने अंग होते हैं, या बच्चे संसद के पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं बेटा, तो 2 होते बच्चे 3 होते हैं। एक तो हमारा लोकसभा हो गया, एक तो हमारा राज्यसभा हो गया और एक तो हमारा राष्ट्रपति हो गया। अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट रहेगा तो बच्चे पार्लियामेंट नहीं बनेगा, ये आपको पता है। लेकिन अगर बच्चे कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर संविधान के कितने पिलर हैं, तो इनके भी पिलर की संख्या 3 है बच्चे। आप बोलोगे सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद हमारी विधायी पालिका है बच्चे। और जो ये विधायी पालिका होता है बेटा, उसी में तो हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, और इसी में एक पालिका होता है बच्चे जिसका नाम होता है न्यायपालिका। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे पिलर के या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के ऑर्गन्स की संख्या देखा जाए तो 3 होती है, लेकिन चौथा बच्चे जो क्या कहते हैं अंग माना जाता है, उसे हम प्रेस कहते हैं या बच्चे मीडिया कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसका संविधान में नहीं लिखा गया है कि संविधान का चौथा पिलर है, लेकिन पढ़ने में बच्चे बताया गया कि संविधान का चौथा अंग होता है। हालांकि बच्चे कार्यपालिका, विधायी पालिका और न्यायपालिका, तो संविधान के भी अंग की संख्या 3 है, सांसद के बच्चे अंग की संख्या 3 है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन दे रहा है बच्चे, सारे लोग अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है बच्चे, तो सॉरी, पहला ऑप्शन है संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग है। यस, संसद ही तो विधा बच्चे विधायी का अंग है, उसी के पार्ट्स की संख्या 3 है, पहला ऑप्शन सही है बच्चे। लोकसभा निचला सदन है, हाँ बच्चे, लोकसभा जो होता है वो भारत देश का कई नाम इसका आता है बच्चे, इसे हम निचला सदन भी कहते हैं, इसे बच्चे हम निम्न सदन भी कहते हैं, इसे हम अस्थाई सदन भी कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, इसी को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, क्लियर हो जाएगा, और इसे हम जनता का सदन कहते हैं बच्चे। ये सारे नाम हमारे लोकसभा के हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बच्चे क्या कहता है, राज्यसभा, तो राज्यसभा आपको पता है बच्चे उच्च सदन है, क्लियर हो जाएगा, राज्यसभा उच्च सदन है, इसी उच्च सदन को हम अपर हाउस भी कहते हैं बेटा, और ये अस्थाई सदन है, कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, सॉरी, इसका राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल बेटा 5 वर्ष होता है। तो हमारा बच्चे सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सही है। अगला है हाउस ऑफ कॉमंस, हमने जब पढ़ाया तो हमने कहा था बच्चे कि भारत देश में
ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, अगर हम भारत देश की बात करें बेटा, तो भारत देश में जो संसदीय व्यवस्था है, अगर हम भारत देश की संसदीय व्यवस्था की बात क्या बच्चे करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटा ब्रिटेन से आया है, और ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्था है बेटा। वहां पर एक हाउस ऑफ कॉमन्स है बेटा, और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है बेटा। तो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है बेटा वो उच्च सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का क्या है, निम्न सदन है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन ये कह रहा है सर कि हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन है। नहीं सर, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निचला सदन है बच्चे, या निम्न सदन है, या इसे हम लोअर हाउस कह सकते हैं। तो यहां पर जो बच्चे इसमें एरर होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीन ऊपर से तीनों सुमेलित हैं बेटा, सही है, और जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो ऊपरी सदन की जगह बच्चे क्या होना चाहिए, निम्न सदन होना चाहिए, यानी कि लोअर हाउस होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों का सही होगा और आसानी से आप लोगों ने पहचान लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड नंबर बेटा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान है। चलो बच्चे, यहां पर आर्टिकल कौन सा होगा, चलो बच्चे यहां पर आर्टिकल होगा 121 बच्चे, है ना, 121 है, 122 है, 123 है, 124 है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहा है बच्चे। ठीक है, किसके न्यायाधीशों की बात बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अगर हम बात करें बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में है बेटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा बच्चे, और बाकी अन्य जजेस होंगे। और आपको पता है सर, टाइम टाइम पर हमारी पार्लियामेंट जजों की संख्या को बढ़ाती रही है बेटा। ठीक, तो बच्चे 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और अदर जजेस होंगे बेटा, अन्य जज होंगे। और वर्तमान में अगर देखा जाए बच्चे कि वर्तमान में सर कितनी संख्या है, तो वर्तमान में इनकी संख्या बच्चे कितनी है, 34 है बेटा। एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ 47वें है बेटा, जस्टिस बोबड़े हैं, 47वें है, देख लेना बच्चे, जस्टिस बोबड़े हैं। यह पॉइंट समय याद रखना होगा बच्चे। ठीक है, जस्टिस बोबड़े हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश हैं बच्चे सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 124 कहता है बच्चे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, और आर्टिकल बच्चे 124 में ही बच्चे कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे बेटा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि सर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है जजों की, तो आप रिजल्ट लगाना 24। याद रखो सर, सुप्रीम कोर्ट की जज की संख्या निश्चित होती है, लेकिन हाई कोर्ट में बेटा जज की संख्या निश्चित नहीं होती। ये पॉइंट समय याद रखना होगा। तो याद रखना बच्चे कि जजेस की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124 में। एक पॉइंट और बेटा, ये जितने भी न्यायाधीश होते हैं बेटा, अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, इनके नियुक्ति की बात करें, तो इन सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है बच्चे। लेकिन याद रखना बच्चे, राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है, लेकिन एडवाइस किसकी लेता है बच्चे, तो एडवाइस लेता है कोलेजियम प्रणाली की।
कौन से प्रणाली की बेटा? कोलेजियम प्रणाली की ये बच्चे सलाह लेता है, यानी कोलेजियम सिस्टम जिसको भी करेगा या जिसका भी नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बेटा ही सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्या करेगा? अपॉइंट करेगा बच्चे, नियुक्ति करेगा। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। और आर्टिकल 123 में बेटा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है हमारे राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कौन सा पद बच्चे धारित था? यानी वो बच्चे जब भारत देश के उपराष्ट्रपति बने थे तो इनमें से कौन से ऐसा बच्चे पद था जिस पर वो उस समय नियुक्त थे बेटा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे बच्चे। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका बेटा कि कौन सा बच्चे उपराष्ट्रपति। तो आप ये जानते हो बच्चे कि भारत देश के पहले जो उपराष्ट्रपति थे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे बेटा। ठीक है बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट जो थे बच्चे आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे बच्चे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे बेटा। और इनका कार्यकाल आपको पता ही है सर, 1952 से लेकर 1962 तक था। ये बच्चे आपको भी पता है उपराष्ट्रपति पर इन्होंने कितने कार्यकाल किए थे? दो कार्यकाल किया था। उसी के बाद 1962 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में बेटा इन्हें भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रपति भी बच्चे निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। और ये बच्चे इस पद पर बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत के रूप में ये कार्य करते थे बच्चे। सोवियत संघ में इन्होंने किसके रूप में कार्य किया बच्चे? राजदूत एम्बेसडर के रूप में कार्य किया था, जिनका नाम क्या था बच्चे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन था बच्चे। ठीक है, तो इन्होंने सोवियत संघ के राजदूत के रूप में कार्य किया था। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम था? तो आपने बताया बच्चे कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे बच्चे उनका नाम ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन था। तो यहां पर बच्चे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बच्चे। अब ध्यान से देखना है बेटा, यहां पर देखिए सर दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, यहां पर एक और नाम लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बेटा। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो ये भारत देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चे भारत देश के दूसरे क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना होगा, भारत देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। और जब ये दूसरे उपराष्ट्रपति बने बेटा तो याद रखना ये बच्चे मुस्लिम धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? तो भारत देश के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति का भी नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बाद बेटा डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता है राष्ट्रपति के रूप में भी बच्चे निर्वाचित हुए थे। और राष्ट्रपति के रूप में जब इन्होंने कार्यकाल किया तो ये बच्चे भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भी बच्चे इन्होंने कार्य किया था। पॉइंट्स याद रखना। डाले चलिए हल्का चल रहा, क्लियर हो जाएगा बच्चे। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे बने थे बच्चे उपराष्ट्रपति, और याद रखना यही भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया बच्चे। ठीक है, तो याद रखना बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे जल्दी से, चौथा क्वेश्चन देखो। कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि पहला ऑप्शन है बच्चे चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, अगला ऑप्शन है बेटा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तीसरा ऑप्शन है चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। सारे बच्चे बताएंगे,
चलो बच्चे, आपको पता है बच्चे कि संसद का सदस्य बनने के लिए पहली चीज तो आपका निकला ना हो दिवालिया बच्चे, ठीक है। दिवालिया का मतलब आप कंगाल ना हो बच्चे, ठीक है। एक तो ये हो गया सर जी, और दूसरा है बच्चे भ्रष्ट भ्रष्टाचार में अगर आप पकड़े गए हो, लिप्त पाए गए हो और आप पर केस चल रहा है बच्चे, तब भी आप मेंबर के रूप में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो बच्चे और जो चुनाव का ब्यौरा मांगा गया है, अगर आप चुनाव का ब्यौरा नहीं दोगे तो भी आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा बच्चे, नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप बेटा ये सदस्य के लिए बच्चे क्या हो, चुनाव में सदस्य में भाग लेने के लिए भाग नहीं ले पाओगे। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बच्चे वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी बच्चे। यानी कि आपका दिवालिया ना निकला हो, मानसिक रूप से आप विक्षिप्त ना हो बेटा, 2 साल से अधिक किसी बच्चे कोर्ट ने आपको सजा ना दी हो, इन सब कंडीशन पर बेटा आप सदस्य या मेंबरशिप या एमपी का इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो बच्चे, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन नहीं आप पर अप्लाई होती है तो आप एमपी का इलेक्शन बन के संसद का सदस्य बन सकते हो, ये आप याद रखना बेटा, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर देखिएगा बेटा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संकल्प होता है बच्चे, निम्नलिखित में से कहां पेश किया जाता है बच्चे। यानी भारत देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बेटा जो एक प्रक्रिया होती है, संसदीय प्रक्रिया होती है, वो सबसे पहले कहां लाया जाता है, सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताना बेटा। चलो बच्चे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है पूरा। अगर बच्चे राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट दायर होता है, जिसे हम महाभियोग कहते हैं बच्चे। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो आर्टिकल 61 के तहत चाहे वो महाभियोग लोकसभा में दायर कर दो और चाहे महाभियोग कहां ले आओ बेटा, राज्यसभा में ले आइए, यानी दोनों जगह पर बच्चे इसे विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा, तो फिर राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा बेटा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए बच्चे, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होता है बच्चे, याद रखिएगा मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, किसका होता है बच्चे, राज्यसभा का होता है, क्लियर। और अगर पदेन सभापति को पद से हटाना है तो पहले संकल्प आपको पता है सर कहां लाना होगा, राज्यसभा में लाना होगा, और राज्यसभा में जब यह पास हो जाएगा बच्चे तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये और कहां भी पास होना चाहिए, लोकसभा में। यानी कि बिना लोकसभा की सहमत से बच्चे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विधेयक होगा, वो संकल्प होगा, वो कहां लाया जाएगा, तब आप लगाना सर सबसे पहले वो राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में पास होने के बाद उसको अप्रूव बच्चे हमारी लोकसभा भी करेगी। यानी लोकसभा जब तक सहमति नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं जा सकता। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर इसे हटाना है तो चाहे लोकसभा में ले आओ, चाहे पद राज्यसभा में संकल्प ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो यह संकल्प बेटा कहां लाना होगा, राज्यसभा में ही लाना होगा। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो यहां पर बच्चे कहा गया पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, तो याद रखना केवल राज्यसभा में बेटा, ठीक है। लेकिन सहमति भी कौन देगा, लोकसभा देगा बच्चे, ठीक है, तो याद रखना। अब यहां पर अगर हम राष्ट्रपति की बच्चे बात किए होते तो राष्ट्रपति में सेकंड ऑप्शन हो जाता संसद के किसी भी सदन में। हमने लिख दिया बेटा कि राष्ट्रपति पर बच्चे महाभियोग दायर होता है, बच्चे उसका संकल्प या विधेयक या बिल बेटा आप लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी ला सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चों का क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है बच्चे कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फिर सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चलो बच्चे, यहाँ पर लोकसभा की बात किया गया है, क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें भाई, तो आपको पता है सर, पहला चीज तो है लोकसभा का जो निर्वाचन होता है बेटा, वो निर्वाचन कैसे होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपका रिजल्ट होगा सर डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से लोकसभा का निर्वाचन होता है। तो अगर प्रत्यक्ष हो रहा है बच्चे, तो डन है, डायरेक्ट कौन भाग ले रहा है, जनता भाग ले रही है। और भारत देश में बच्चे जो सीटों का निर्धारण है, भारत देश में बच्चे जो सीटों का क्या है, निर्धारण है, सीटों का निर्धारण सिर्फ एक आदमी करता है, जिसका नाम बच्चे, सीटों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, तो याद रखना जनता के आधार पर किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो जनता होती है प्रत्येक प्रदेश में रहती है, और प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर ही बच्चे लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। और ये चुनाव जो होता है बच्चे, वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। यहां पर तो बच्चे जो ऑप्शन सही होगा, ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है लोकसभा का। लेकिन अगर बच्चे याद रखिएगा, राज्यसभा या उपराष्ट्रपति की बात कर लिया जाए, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर लिया जाए, तो वहां पर बच्चे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी आएगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो याद रखना बच्चे, प्रादेशिक सीटों के आधार पर या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका इलेक्शन होता है। और बस आपको इतना याद रखना है कि लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है, निर्वाचन इसका कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, किस बच्चे भाग डायरेक्ट कौन लेता है, जनता भाग लेता है, सीटों का निर्धारण जनता के आधार पर किया गया है। तो जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, उस प्रदेश में लोकसभा की सीट भी तो ज्यादा होगी बच्चे। तो अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए, तो अपना उत्तर प्रदेश है बेटा, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 है बच्चे, ठीक है। और आपने देखा कि सबसे बड़ी विधानसभा भी तो यूपी की होगी, तो यूपी में अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें बच्चे, मैं इसे हिंदी में भी लिखता हूं, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, तो यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और ये दोनों बच्चे याद रखना, ये राज्य का, ये केंद्र का निम्न सदन है, और सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर है। विधानसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है बच्चे, 80 में राज्यसभा है, और 79 में संसद का प्रावधान किया गया। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही होगा बेटा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। आठ नंबर ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने सारी शर्तें आपको बताई है बच्चे। भाई किसी भी पद के निर्वाचन के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चे, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो बच्चे, ठीक है। हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए बच्चे मिनिमम कहती बच्चे मिनिमम एज पूरी होनी चाहिए, यानी कंप्लीट 35 ईयर का होना चाहिए बच्चे, किसी भी, यानी नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेटा, ये भी बताया था, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी लाभ पद पर ना हो, क्लियर बच्चे, उसका दिवालिया ना घोषित हो, मानसिक रूप से वो पागल हो। तो जो लाभ के पद की बात होगी बच्चे, तो यहां से देखो कि लाभ के पद पर ना हो, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया बच्चे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यानी कि पद के दौरान बच्चों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए बच्चे, ये भी आपका सही है बेटा। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, नहीं बच्चे, आपको पता है राज्य विधायिका का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चे,
ठीक है, तो जो शर्तें पूरी करता है ऑप्शन ए करता है और ऑप्शन बी करता है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर टोटल जो हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी ही बच्चे उपराष्ट्रपति पद की शर्त को पूरा करता है, सी ऑप्शन हमारा शर्त को पूरा नहीं करता। क्लियर बेटा, तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर देखो सारे बच्चे, 9 नंबर देखिएगा। ये पानी रखा है, नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सारे बच्चों को पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे बच्चे, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल जे कन्हैया, ठीक है बेटा। कार्यकाल रहा इनका 50 से 51 और वर्तमान है बच्चे मुख्य न्यायाधीश भारत के बोबड़े, इससे पहले कौन था बच्चे, रंजन गंगोई थे, ठीक है बेटा। ये 46वां थे, 46वें थे बेटा, ये आपके बच्चे 47वें हैं और ये आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे बच्चे। हालांकि ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम बात करें बच्चे कि 1937 में ही बच्चे हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल न्यायालय था बच्चे, फेडरल जस्टिस था बच्चे, यानी संघीय न्यायालय था इसका नाम, ध्यान से सुनना बच्चे, कौन सा न्यायालय था, संघीय न्यायालय था बच्चे, और इसी का नाम का परिवर्तन किया गया 1950 में और इसकी सारी शक्तियां बच्चे किसमें ट्रांसफर कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट में। तो जब संघीय न्यायालय बनाया गया था तो इसके चीफ जस्टिस थे बेटा सर मॉरिस गोयर, सर मॉरिस गोयर बच्चे, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि फेडरल न्यायालय का बच्चे जो पहला चीफ जस्टिस था वो तो सर मॉरिस गोयर था बेटा, 1937 में बनी, 1937 के बाद 1950 में इसका नया नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट बेटा, और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, हीरालाल जे कानिया बने थे। इनका कार्यकाल था 50 से लेकर 51 तक और वर्तमान समय में है बच्चे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस बोबड़े हैं बेटा, ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। एक पॉइंट और बेटा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं बेटा, इनका जो मिनिमम एज होता है, मिनिमम एज नहीं होता है, हालांकि मैक्सिमम एज इनका जरूर होता है बच्चे, और जो मैक्सिमम एज होता है वो कितना होता है, 65 ईयर्स होता है बच्चे, 65 साल होता है, ठीक है। तो यहां पर पहला हो जाएगा बच्चे हीरालाल जे कानिया, कार्यकाल इनका है सर 1950 से 51, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा बच्चे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है बच्चे, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, वीडी जद्दी साहब हैं बेटा, जसवंत सिंह बेटा, इसमें जो ऑप्शन गलत होगा वो होगा जसवंत सिंह बेटा, जसवंत सिंह बच्चे कभी भी भारत देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चे कि शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा भी बेटा 1987 से लेकर 1992 तक बेटा, यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जी बच्चे भारत देश के उपराष्ट्रपति थे। मिस्टर बीजडी जत्ती बच्चे थे, तो जत्ती साहब बेटा 74 से लेकर 79 तक थे, नोट कर लेना। और अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन को हमने बता ही दिया था बच्चे कि जाकिर हुसैन साहब भारत देश के दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद बेटा तो 1962 से लेकर 1967 तक थे बेटा। ये तीन लोग भारत देश के बच्चे उपराष्ट्रपति के भी रूप में कार्य किए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चे राष्ट्रपति के भी रूप में कार्य किए हैं, याद रखिएगा बेटा। और इस व्यक्ति ने कभी भी बच्चे केंद्रीय मंत्री के रूप में बीजेपी सरकार में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कार्य कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किए हैं बेटा, लेकिन कभी भी ये भारत देश के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु है बच्चे, तो आपको पता ही है बच्चे, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस बच्चे क्वेश्चन में बताया कि अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेटा न्यायाधीशों के मिनिमम एज की बात कर लिया जाए तो आपको पता है सर मिनिमम एज नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चे याद रखिएगा दोनों भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बच्चे न्यायाधीशों के मैक्सिमम उम्र की बात कर लिया जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट वाले होंगे 65 वर्ष होंगे बेटा, और जो हाई कोर्ट वाले लोग होंगे जजेस होंगे बेटा उनका जो मैक्सिमम रिटायरमेंट का एज होगा वो 62 होगा और सुप्रीम कोर्ट में 65 होगा। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, 65 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 12 नंबर देखिए, सारे बच्चे देखिए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, जब भारत देश का उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में बच्चे बनाया कार्य करना या स्थानापन के रूप में काम करना होगा तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, हमने कहा था बच्चे कि ये एक ऐसा पद है यानी कि जो प्रेसिडेंट वाला पद है बच्चे भारत देश में, प्रेसिडेंट वाले पद को कभी भी बच्चे याद रखिएगा खाली नहीं रखा जा सकता, कभी भी इस पद को बच्चे खाली छोड़ा नहीं जा सकता, ध्यान से ना। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो तुरंत बच्चे जो भारत देश का कौन सा पति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, यह कार्य करने लगेगा बेटा। तो जब यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उपराष्ट्रपति को जितना भी वेतन भत्ता होगा मेरे बच्चे, वो सारा का सारा वेतन भत्ता किसका दिया जाएगा, राष्ट्रपति का दिया जाएगा सर, ना कि यह उपराष्ट्रपति का पाएगा, ठीक है। और अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा बच्चे, वो इस पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा यानी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तब याद रखना बच्चे, इसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन दिया जाता था, ये वेतन ना देकर बच्चे जितने दिन तक ये भारत देश के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बेटा या एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तब तक इसको सैलरी बच्चे ध्यान से देखिएगा किसकी दिया जाएगा, ऊपर बच्चे राष्ट्रपति की दिया जाएगा। और आपको पता है कि सर इनको सैलरी बेटा सेंट्रल कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है यानी भारत की संचित निधि से बेटा, भारत की संचित निधि से इन लोगों को क्या दिया जाता है बच्चे, वेतन भत्ता दिया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति के बच्चे रूप में कार्य करेगा भारत देश का उपराष्ट्रपति तो इसे वेतन भत्ता राष्ट्रपति का मिलेगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी राष्ट्रपति में यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो इसे बच्चे वेतन भत्ता राष्ट्रपति का दिया जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा किसका वेतन प्राप्त होगा, तो राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर कह रहा है बच्चे
उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की ही तरह होती हैं। हमने आपको बताया था मेरे बच्चे कि जो ये उपराष्ट्रपति होता है बेटा, उपराष्ट्रपति का अपने पद का कोई कार्य नहीं होता है, ये सारा का सारा कार्य बच्चे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है बच्चे। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति का अपने पद का कोई कार्य नहीं है, सारा का सारा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य है। और जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है बच्चे। तो जो काम लोकसभा में स्पीकर करता है वही काम बच्चे राज्यसभा में हमारा उपराष्ट्रपति करता है। तो दोनों की शक्तियां लगभग बराबर है बच्चे। और दोनों को कितना कितना लाख वेतन दिया जाता है, 4-4 लाख रुपए वेतन जाता है, क्योंकि भारत देश के राज्यसभा का जो बच्चे पदेन अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष भी सेम काम करता है तो उसकी भी सैलरी कितनी होगी, 4 लाख होगी। तो पहला ऑप्शन सही है बच्चे। हमने कहा था अगर कोई भी पद खाली होता है, कोई भी पद बच्चे वैकेंट होता है, तो उसे कितने महीने के अंदर भरा जाता है, 6 महीने के अंदर। और अगर मान लो भारत देश में राष्ट्रपति नहीं है बेटा, तो एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो करने वाला व्यक्ति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा के बेटा अस्थाई राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। तो ये कितने महीने होगा, 6 महीने ही होगा बेटा। तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन है कह रहा है उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अधिकतम 1 साल, नहीं बेटा, अधिकतम 6 महीने ही कार्य करेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता, यस सर सही है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति बेटा त्यागपत्र दे देगा किसको, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चे 6 महीने कार्य कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता बच्चे प्राप्त है, यानी इन चारों में से कोई ऐसा मैटर होगा जिस पर बच्चे सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी बच्चे आधिकारिकता है, पहल बच्चे यहां की जा सकती है, ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी बच्चे, तो हमने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो होता है बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर बच्चे केंद्र और एक से अधिक राज्यों का विवाद हुआ, यानी केंद्र का किसी एक राज्य से या एक से अधिक राज्यों का विवाद हुआ, तो ये मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दो राज्य या दो से अधिक राज्यों का आपस में विवाद है तो ये मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संविधान का संरक्षक है बच्चे, या संविधान का पिता जो है बच्चे, संरक्षक पिता है वो हमारा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पर तो अधिकार खुद का रखता है बच्चे, हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात फंडामेंटल राइट्स की करें बच्चे, अगर मूल अधिकार की हम बात करें बच्चे, तो मूल अधिकार पर दोनों को अधिकार प्राप्त है। यहां पर इसे बच्चे 426 है और यहां पर अनुच्छेद 32 होगा बेटा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेटा फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई करने के लिए बाध्य होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, यह बाउंड होता है बेटा कि सुनवाई करनी ही करनी है अगर फंडामेंटल से संबंधित कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो। तो ये बच्चे आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट का प्रयोग करेगा, और जो हाई कोर्ट है बेटा ये इसके स्वविवेक पर निर्भर करता है, यानी ये इसकी स्वविवेकीय बच्चे निर्णय होगा कि ये बंदा सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को बेटा मूल अधिकार पर बच्चे अपनी शक्ति देता है, और बेटा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पर बच्चे सुनवाई के लिए बाउंड होता है या बच्चे बाध्य होता है, लेकिन ये इसकी बच्चे डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इसका स्वविवेकीय पावर होता है, ये यहां पर बाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर कभी भी आपसे आ जाए कि संविधान का संरक्षक
सकते हो सुप्रीम कोर्ट ना कि हाई कोर्ट। अगर केंद्र का एक राज्य से बच्चे क्या चल रहा है विवाद या एक से अधिक राज्यों का विवाद चल रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ना कि हाई कोर्ट बेटा। और अगर दो राज्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा है या दो से अधिक राज्यों का आपस में कुछ बच्चे अनबन है तो फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना कि कहां जाओगे हाई कोर्ट। तो सिर्फ मौलिक अधिकार ही इसमें से ऐसा है बच्चे जहां पर ये दोनों लोग अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। एक तो बाउंड होता है, बाध्य होता है बच्चे, ठीक है, बाउंडेबल होता है, या बच्चे आप कह सकते हो बच्चे ये इसका स्वाभाविक है। तो हाई कोर्ट का 226 है, सुप्रीम कोर्ट का बच्चे 32 है। पांच प्रकार की रिटें हैं, ये पांचों रिट मैं आपको कई बार करा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर बच्चे, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न तथा जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए किसके पास बच्चे। सारे बच्चे बताएंगे जितने भी लोग हो, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना बच्चे, सारे बच्चे बाद में भी देख लेना जो ऑफलाइन क्लास आने लगे हो, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करते रहना बच्चे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि पॉलिटी पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए बच्चे कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, क्लियर। चलो तो हमने आपसे कहा था बच्चे कि एक आर्टिकल होता है 143 पढ़ाया है बच्चे, अनुच्छेद 143 ये कहता है, यानी ये सिर्फ परामर्श का अधिकार देता है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट में अभी पढ़ाया था। और ये परामर्श देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट बेटा। कोई भी अगर मैटर विधिक हुआ तो बेटा विधिक मैटर पर राष्ट्रपति, बच्चे याद रखिएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत, 143 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट बेटा सलाह दे भी सकता है, और मैंने कहा था सलाह नहीं भी दे सकता बच्चे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बेटा एक परामर्शदाता बच्चे भी है, और ये परामर्श देता है बच्चे विधिक मामले पर राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति बच्चे जो ये सलाह देगा, राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और राष्ट्रपति उसे नहीं भी मान सकता है बेटा। मैक्सिमम है ये सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जब भी सलाह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी जरूर है बच्चे। हालांकि मांगना ना मानना बेटा हमारे प्रेसिडेंट पर होता है। तो यहां पर आपका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, तो उसे भेजा जाएगा किसके पास भाई, वो उसे भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास बेटा, क्योंकि किसी भी बिल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इसी का होता है बच्चे, फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे 143 भी लिख देना राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सब पढ़ा चुका हूं, बस फ्लो बना लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि भारत बच्चे, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो डायरेक्ट तो उपराष्ट्रपति को निकाला नहीं जा सकता बच्चे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संकल्प लाना होगा, एक बिल लाना होगा, और ये बिल बच्चे याद रखिएगा सबसे पहले संकल्प कहाँ होना चाहिए, राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये पास हो जाएगा बच्चे, तब ये बिल जानते हो बच्चे कहाँ जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा भी बच्चे इसे पास करके अपनी क्या दे देगी, सहमति दे देगी कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से बच्चे क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो उपराष्ट्रपति को पद हटाने के लिए सबसे पहले बिल तो राज्यसभा में पास कराना होगा, और फिर बेटा लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद बच्चे जब लोकसभा अपनी सहमति दे देगा तो राज्यसभा उन्हें पद से हटा देगा। तो यहां पर पहला है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कोई मतलब ही नहीं है बच्चे।
राष्ट्रपति की सहमत से लोकसभा कोई मतलब नहीं है, लोकसभा की सहमत से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सहमत से राज्यसभा, तो राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा की सहमत से राज्यसभा बच्चे पास करके इसे पद से हटा देगा। तो यहां पर कौन सा बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जाता है बच्चे। ठीक है, हमने आर्टिकल 71 के बारे में आपको बताया था। अगर बच्चे राष्ट्रपति और हमारा जो उपराष्ट्रपति है बेटा, अगर राष्ट्रपति है, ध्यान से देखना बेटा, और उपराष्ट्रपति है तो इसका जो चुनाव संपन्न करवाता है बच्चे, वो चुनाव तो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। पहला चीज तो ये याद रखो, कौन निर्वाचन कराता है, तो भारत चुनाव आयोग करवाता है, निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन बेटा ये अन्य भी व्यक्तियों का चुनाव कराता है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया या विधान परिषद हो गया, इन सभी का भी चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर बेटा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई चुनाव विवाद हो जाता है, तो विवाद की अगर बात होती है तो विवाद का निपटारा ये ना करके बेटा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 में प्रावधान है बच्चे कि इसका निपटारा सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा, अन्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो यहां पर बच्चे जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव के विवाद का निपटारा करता है, बाकी सभी चुनाव के विवाद का निपटारा यही कर लेता है बेटा। लेकिन इलेक्शन की बात आएगी तो इलेक्शन इन दोनों का भी कौन कराता है, भारत चुनाव या भारत निर्वाचन आयोग ही कराता है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, अभी मैंने कहा था बच्चे एक हमारी होती है कार्यपालिका, एक हमारी होती है विधायपालिका, और सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है बच्चे हमारी कौन सी पालिका, न्यायपालिका बेटा। और ये तीनों अंग हैं बच्चे किसके, संविधान के बेटा। तो संविधान की बच्चे संरक्षणता जो प्राप्त है वो हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है, और न्यायपालिका में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। कौन सी होती है बेटा, सुप्रीम कोर्ट होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर देखो बच्चे। क्या मिनट, चलो बच्चे अगला क्वेश्चन था कि जब भारतीय न्यायिक पदावधि में लोकहित मुकदमा PIL पब्लिक, बच्चे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने आपको बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बच्चे लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चे। तो हमने आपको बताया था 1984 के करीब बच्चे आया, कौन से सन 1984-85 के करीब आया बेटा, और उस समय PN भगवती थे बच्चे। कौन था बेटा, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बच्चे, यही लेकर आए भी थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
ये मैंने आपको बताया था जनहितवाच बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे कि कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है कि सर अगर केस यहाँ चलाया जाएगा तो इसके साथ छेड़खानी होगी, और अगर केस यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा तो बच्चे सुरक्षित केस का क्या कहते हैं बच्चे रिजल्ट आ सकेगा। इसीलिए कोई भी आदमी बच्चे PIL दाखिल कर सकता है बच्चे। ये ज्यूडिशरी की पहुँच को बनाने के लिए किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को हर चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है, तो कम से कम लोगों तक बच्चे एक प्रावधान होना चाहिए कि ये बंदा इसके तहत इसकी जानकारी मुझे दे सकता है बच्चे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका था बच्चे, PN भगवती बच्चे लेकर आए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में बच्चे उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य करना पड़ता हो। तो हमने कहा था बच्चे कि हाय बच्चे न्यायाधीश बनने मिनिमम कितने वर्ष का बेटा, 10 वर्ष का आपको बच्चे एडवोकेट अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हो आप हाई कोर्ट में, या विधि वेत्ता होना चाहिए बच्चे राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बेटा जज के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इसका निर्णय लेगा, कोलेजियम प्रणाली लेगा बेटा। कौन सा सिस्टम लेगा? कोलेजियम सिस्टम के तहत ही बच्चे हम इसका रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष होना चाहिए बच्चे अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसे बच्चे विधि वेत्ता होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। तो यहां पर लगा लेना बेटा कितना वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो आपको भी पता है बच्चे, मैंने कहा था बच्चे कि अगर वो इनकैपेबल हो, यानी इनकैपेबिलिटी हो बच्चे, यानी असमर्थता हो, और मिसबिहेवियर हो बच्चे, यानी कि उन्होंने कदाचार सिद्ध हो गया हो, यानी उन पर मिसबिहेवियर का केस लगा हो, या संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, तो इन दोनों आधार पर बच्चे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर जितने भी अन्य जजेज होते हैं बच्चे उनको पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे कि किस प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, तो कदाचार सिद्ध हो जाए, मिसबिहेवियर हो जाए बच्चे, असमर्थ हो वो कार्य करने में, क्या हो असमर्थ हो या अक्षम हो बेटा, तो फिर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22 नंबर देखिए जल्दी से। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, यानी अपनी वोटिंग का प्रयोग कब करता है बच्चे। तो याद रखना बच्चे, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, यहां पर स्पीकर होता है और यहां पर भी बच्चे अध्यक्ष होता है जिसे हम सभापति कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे, ये यहां पर भी बिल आता है, यहां पर भी बिल आता है, और मान लो बच्चे यहां पर बिल पे मतदान हो गया और यहां भी बिल पर क्या हो गया बच्चे मतदान हो गया, और दोनों का मतदान क्या हो गया अपने अपने सदन में बराबर हो गया बच्चे। तो लोकसभा स्पीकर बच्चे अपने लोकसभा स्पीकर बच्चे लोकसभा वाले बिल पर बेटा वोट दे देगा, और अगर सभापति के यानी राज्यसभा में बिल पर मतदान बराबर हो जाता है तो सभापति भी वोट दे देगा। लेकिन सिचुएशन क्या होगा जब दोनों जगह पर बच्चे पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए, तो यहां पर एक कास्ट बच्चे आता है जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं, या इसे हम निर्णायक मत कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? निर्णायक मत। तो निर्णायक मत बेटा लोकसभा में देने का अधिकार स्पीकर का होता है, और राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति का होता है। तब होता है जब बिल पर पक्ष और विपक्ष बच्चे ठीक है दोनों का मतदान क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बेटा लोकसभा स्पीकर जो होता है लोकसभा का सदस्य रहता है, फिर उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे कास्टिंग वोट का बच्चे अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है, तो सभापति देता है राज्यसभा में कास्टिंग वोट बेटा, और लोकसभा में स्पीकर कास्टिंग वोट देता है बच्चे। ठीक है,
ठीक है बच्चे। तो ये आज के इतने क्वेश्चन थे, करीब 21-22 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है बच्चे। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, बाकी और बाकी कल मिलेंगे, ठीक है बच्चे। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाकी शाम को 7 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय।